भाई मोटिवेशनल स्पीकर्स के अंदर डीमोटिवेशन आ गया, अब क्या करेंगे। तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि 11 दिसंबर 2023 को संदीप महेश्वरी के चैनल के ऊपर एक पूरी वीडियो आई, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। मैं बीच में से बता रहा हूँ क्या, चलो शुरू से बताता हूँ। तो महेश्वरी जी के चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक बिजनेस मास्टरी सीरीज चल रही थी जिसके ऊपर एवरेज 2 लाख के आसपास व्यूज हर वीडियो के ऊपर आ रहे थे। 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल के ऊपर 2 लाख व्यूज, साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे क्या? जिसको लेकर खैर महेश्वरी जी ने भी ये कहा था, अगर ध्यान से देखेंगे इस सीरीज के ऊपर इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब व्यूज कम आ रहे थे जिसकी वजह से हो सकता है कि संदीप महेश्वरी और उसकी टीम भी काफी ज्यादा टेंशन में थी। इसके चलते उन्होंने बीच में आउट ऑफ नोवेयर एक वीडियो अपलोड करी, रियल मोटिवेशन एक्सपोज्ड। ये एक इनडायरेक्ट डिग था उन फेक मोटिवेशनल गुरुज या उन फेक बिजनेस गुरुज के ऊपर जिन्होंने खुद लाइफ में कभी बिजनेस नहीं किया बट लोगों को बिजनेस सिखा रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। वो वीडियो डालते ही संदीप महेश्वरी और उसकी टीम ने देखा कि अरे बाप रे, 1.3 मिलियन व्यूज। अगर मैं इन्हीं एपिसोड्स का नाम चेंज कर दूं, थंबनेल चेंज कर दूं, तो उसके ऊपर व्यूज आएंगे 20 लाख 50 लाख 1 करोड़। अगर थोड़ा सा उसको सेंसेशनल बना दूं तो। फिर ऐसे ही बिजनेस मास्टरी के ऊपर सीरीज चलती रही, वीडियोस के ऊपर वीडियोस आती रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई जिक्र नहीं था। फिर महेश्वरी जी के चैनल के ऊपर वीडियो आई, बिग स्कैम एक्सपोज्ड, जो कि एक इनडायरेक्टली डिग था सीधा सीधा मुझे लगता है विवेक बिंद्रा के बिजनेस मॉडल के ऊपर। हालांकि नाम नहीं लिया था विवेक बिंद्रा का, बट हम बच्चे थोड़ी है यार। बस फिर क्या, बांद्रा जी की टीम पहुंच गई सीधा संदीप महेश्वरी के पास, उनके ऑफिस, उनके घर, उनको बैक टू बैक कॉल्स। पर भारत के हर जवान लौंडे की क्रश की तरह महेश्वरी जी भी कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर आउट ऑफ नोवेयर हमेशा की तरह कम्युनिटी टैब के ऊपर कुछ 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 टाइप करना शुरू कर दिया, जैसा पहले किया था। अरे वो कौन था, प्रखर? महेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी टैब पे लिखा, माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। Let me make it absolutely clear, we will not delete it under any circumstances. In fact, the person who exposed this scam in this video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the call recordings. I have a feeling that it's going to get bad, but I'm ready for it because I'm taking this stand for our society. I know that I'm not alone. All of you are standing with me, right? देखो महेश्वरी जी, गलत के खिलाफ आवाज उठाना समझ में आता है, बट ऑडियंस को जबरदस्ती ये फील करवा के, क्योंकि वॉर होने वाला है और आप कोई किसी जंग पे लड़ रहे हो, आपका कोई पर्पस है, एक सुपर हीरो बनने की क्या जरूरत है। नहीं, किसी चीज को अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, और इतने सालों से बिजनेस कर रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता कि स्टॉप स्कैम बिजनेस यूट्यूब पे लिखने से कोई बिजनेस बंद नहीं होता है। अगर आपको किसी भी बिजनेस मॉडल से, किसी बिजनेस से दिक्कत है तो आपको कोर्ट जाना होता है, वहां पर आपको केस फाइल करना होता है। नॉर्मली सोशल मीडिया पे हाहाकार करने से कोई नहीं होता है। अभी एमबी चाय वाले का क्या हुआ, लोगों ने खूब सोशल मीडिया पे हाहाकार किया, कोई टच भी नहीं कर पाया उसे। इनफैक्ट मैंने भी उस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस बनाया था, जो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि भाई, अगर तुम्हें स्कैम बिजनेस को किसी तरीके के बिजनेस मॉडल से दिक्कत है और तुम्हें उसे रोकना ही है, तो कोर्ट इज द राइट वे ना। सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाने से कुछ थोड़ी जाएगा। अब देखो, अगर मैं अपने न्यूट्रल व्यूज बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है, डेफिनेटली रेफर एंड अर्न करने वाली चीज है, लगभग हर एप्लीकेशन करता है, बहुत सारे आजकल एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सब लोग करते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है जब आपका प्रोडक्ट में दम ना हो एंड सिर्फ आप रेफर ही किए जा रहे हो। अब प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, ये उनके एग्जिस्टिंग एफिलिएट्स, एग्जिस्टिंग उनके टीम के जो लोग हैं जिन्होंने उस कोर्सेज को खरीदा है, वही बता सकते हैं। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये जो MBA 10 डेज वाला प्रोग्राम ये बिंद्रा ने शुरू किया, उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाते हो तो बहुत बड़ी टीम ऑलरेडी है बिंद्रा की, जो उन्हें सच्चे दिल से पूरे तरीके से सपोर्ट करती है। यानी कि ये कहना तो बिल्कुल वाजिब नहीं है कि पूरा बिजनेस मॉडल ही स्कैम है। आई मीन डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स होंगे, अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे जिन्होंने कोर्स लिया होगा और उन्हें शायद लगा होगा कि अरे यार वो मजा नहीं आ रहा है। बट बोला नहीं, बिना हो हल्ला सोशल मीडिया पे मचाए तरीके से भी लड़ी जा सकती है ना कोर्ट जाकर। इसमें किसी भी सोशल मीडिया स्टार या यूट्यूबर को हीरो बनाकर सामने खड़ा करने की जरूरत क्या है? और तो मुझे समझ नहीं आता कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान अगर मुझे कुछ फ्री में ज्ञान दे रहा है तो क्या मैं उससे सवाल नहीं कर सकता, मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? आई मीन क्या गारंटी कि अगर कोई डॉक्टर मेरा फ्री में इलाज कर रहा है तो पक्का वो अच्छा डॉक्टर है और मेरा अच्छे से ही इलाज करेगा? होल एंड सोल बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई इंसान कोई भी चीज फ्री में कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा बना फिर रहा है। हो सकता है कि उसका इंटेंशन कुछ और है जो वो आगे जाकर फुलफिल करने वाला है, उसे बस तुम्हारी अनक्वेश्चन लॉयल्टी चाहिए थी जो उसने फ्री में तुम्हें कुछ ज्ञान देकर ली। अबे पुराना अखबार कौन रख गया यहाँ पे 20 नवंबर का?
फुल पेज एड बाय संदीप माहेश्वरी, 1-on-1 बिजनेस कोचिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स। क्या अपॉर्चुनिटी यार, संदीप सर से सीखूंगा 1-on-1, मजा आ जाएगा। पर संदीप सर तो पेड सेशंस वगैरह नहीं करते, उनकी तो फ्री बिजनेस सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। कंफर्म कर लेता हूँ, वेबसाइट तो जेन्युइन है ना, पता चला एलएलए के साथ ही स्कैम हो गया। ट्रेडमार्क सर्च, fraud.com, एप्लीकेंट संदीप माहेश्वरी, जेन्युइन एड है, वेबसाइट पे जाते हैं, है? लाखों रुपए का फ्रंट पेज एड और वेबसाइट डाउन, अब कैसे पता करें? अच्छा, वेबसाइट चल रही थी तब, मेल आया था आपको? हाँ सर, प्लीज मेल भेजो ना मुझे, मेल तो ऑफिशियल है, 1-on-1 session VMS वर्चुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वाह, लेकिन संदीप सर के बस 2 घंटे, प्राइस देखते हैं। बाप रे, 1-on-1 जूम सेशन का 9 लाख प्लस GST और संदीप सर को ऑफिस बुलाने का 36 लाख, 1 महीने के सारे सेशन बुक, दिसंबर के भी भर रहे। भाई ये ना अपने लिए नहीं है, किसी बड़े बिजनेसमैन आदमी के लिए है, किसी असली टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करो आप। भाई हमें तो ना अपनी गरीबी का एहसास हो गया आज। खैर, वापस से मुद्दे के ऊपर आते हैं। इसके बाद कम्युनिटी टैब पे संदीप महेश्वरी ने एक और पोस्ट डाला। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसा लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेले समझने की गलती मत करना। पूरी YouTube कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपके नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सका, फिर चाहे वो कोई CM या PM ही क्यों ना हो, तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। सोचो एक स्पीकर कितना स्मार्ट हो सकता है कि संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा करने की बजाय पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा दिखा दिया। खैर, अब बांद्रा जी भी चुप तो बैठने वाले थे नहीं, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी टैब पे डाल दिया, संदीप भाई, आई वॉच योर लेटेस्ट वीडियो, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। Since you confirmed it is related to me and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. इसमें इन्होंने बोला, since you confirmed it is related to me and my company, मतलब संदीप महेश्वरी ने किसी ना किसी तरीके से indirectly बता दिया था कि ये विवेक बिंद्रा के बारे में है। You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. With the same honesty, I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have the guts to face the reality? इस बात में मुझे सच में अभी तक समझ नहीं आ रहा कि संदीप महेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को अभी तक अपने शो पे क्यों नहीं बुलाया। गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, अरे इसके ये गलत किया, इसने वो गलत किया, स्टॉप स्कैमिंग बिजनेस, सारी चीजें ऐसी है। सामने बिला लो ना, बिठा के बात कर लो। नहीं, हम क्या करेंगे, हम उंगली करके भागेंगे, हम उंगली करेंगे उसके बाद फिर भाग जाएंगे। For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came. हम यहाँ पर थोड़ा बहुत promotion किया था कि 10-day MBA हमने organize किया और ये सारी चीज़ें करी हैं। I am not charging anything for it. Still, I respect you and if you have any suggestions or proposals, I am ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. Regarding the issue of us scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture. If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recordings too. You blocked my number, ignored my humble request various times to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have screenshots too. It is true that my director and chief of staff visited your house and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recordings of what happened. We stand with the entire YouTube community and we cannot even think of doing wrong to you. As matter of fact of deleting videos, sending a legal notice to influencers who speak without facts and take advantages of opportunities is within my rights. For further discussion, whenever you call, I will come, but I know you don't have guts to face the reality. अब इससे पहले कि तुम मेरे को बोलने लगो कि अरे यार ये तो बिक गया, अरे यार इसको पैसे मिले हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर क्लियर सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो। आप कोई मूवी देखने गए थिएटर में, आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, क्या थिएटर वालों से रिफंड मांगते हो? नहीं, क्योंकि आपको पता है ऐसे नहीं होता, क्योंकि उनका काम है, उन्होंने मूवी दिखा दी, दैट्स इट, बात खत्म। आप OTT के लिए पेमेंट करते हो और बाद में आप बोलते हो कि अरे यार ये वेब सीरीज मुझे अच्छी नहीं लगी, रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कोर्सेज जो होते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ कंटेंट ही होता है। अब वो कंटेंट अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा, दैट इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव थिंग।
बट यस, अगर सामने वाले इंसान ने बोला है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिफंड ले सकते हो, एंड अगर रिटर्न में ये चीज है कि आप रिफंड ले सकते हो, देन डेफिनेटली रिफंड आपको मांगना चाहिए और सामने वाला रिफंड देगा। इस देश में कोर्ट अभी भी चलता है, जुडिशियरी अभी भी पावरफुल है, बड़े से बड़ी कंपनी घुटनों पर लाई जा सकती है अगर आपको आपके राइट्स पता है। पर ये मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर स्कैम बोला जा रहा है तो यार सामने वाला इंसान जब खुद कह रहा है कि भाई मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास, खैर इसके बाद महेश्वरी जी रुकते थोड़ी हैं, कम्युनिटी टैब पे दना दन लगे हुए। ये पोस्ट पढ़ो, सेलिंग अ कॉम टू दोस हु नीड इट इज नॉट स्कैम, इट्स अ जेन्युइन बिजनेस, बट सेलिंग अ कॉम वर्थ ₹50 टू अ बॉल्ड पर्सन क्लेमिंग दैट इट्स अ मैजिकल कॉम वर्थ ₹5,000 दैट विल ग्रो देयर हेयर विद इन अ मंथ इज अ स्कैम, नॉट रिफंडिंग मनी फॉर दैट यूजलेस ओवरप्राइज्ड कॉम इज अ स्कैम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्किंग दैट पर्सन टू सेल इट टू अदर्स इज डेफिनेटली अ स्कैम। Millions of innocent people have lost their hard-earned money in such scams. Let's take a stand for them. एक तो इतनी बार scam word का use कर रही है। Boss, we live in India. अच्छा खासा स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, खाना टेस्टी भी लगता है, तो भी अगर उन्हें पता है कि उन्हें इसका रिफंड मिल सकता है तो वो कॉल करके बोल देते हैं कि खाना बेकार है ताकि रिफंड मिल जाए। दिस इज द माइंडसेट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी, वी कांट गेट अवे विद दैट। बाकी एक चीज जो है, मैंने कभी कोर्स नहीं लिया विवेक बिंद्रा का, मैं कभी ऐसे पेड प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट उनकी यूट्यूब वीडियोज के जरिए बहुत सारे बिजनेस लेसन मैंने भी सीखे और अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट भी किए। जहाँ संदीप महेश्वरी बहुत ही जेनेरिक कंटेंट दे रहे हैं, वहाँ पर विवेक बिंद्रा ने प्रॉपर फ्रेमवर्क्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज और वो सारी चीजें डीपर मैंने सिखा लिया और वो हर बिजनेसमैन मेरे से रिलेट कर पा रहा होगा जो ये वीडियोस देख रहे हैं। अब प्रोडक्ट या कोर्स कितने में बिकना चाहिए वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है उस बिजनेसमैन के ऊपर। वो चाहे तो उसे 50,000 का बेचे, चाहे तो 5,00,000 का बेचे, चाहे तो 50,00,000 का बेचे, उसका प्रोडक्ट है, उसने बनाया, उसकी मर्जी है, वो जितना मर्जी प्राइस रख सकता है। आई कैन गारंटी कि कल को अगर आईफोन ने भी स्कीम निकाल दी कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट वर्थ इट ना लगे तो आप रिफंड कर सकते हो, तो एक महीने तक फोन यूज करने के बाद बहुत सारे लोग रिफंड करवाने फिर से आ जाएंगे। ऑब्वियसली पैसे बचते हैं तो क्यों ना बचाएं। बट एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो इंसान इसमें डील कर रहा है, क्या उसकी साइड पे ये कहीं से भी फेयर दिख रहा है? एनीवे, होना जाना कुछ है नहीं, स्कैम इसको प्रूफ कर नहीं सकते। दोनों पार्टीज ने अच्छा खासा व्यूअरशिप कमा लिया, अपने चैनल पे व्यूज भी गैदर कर लिए, संदीप महेश्वरी भगवान भी बन गए और विवेक बिंद्रा के बिजनेस को भी व्यूअरशिप का बूस्ट मिल गया। आपका और मेरा टाइम वेस्ट भी हो गया। बाकी आपका इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर।